हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है इस यूट्यूब वीडियो में। आज मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली लेवल एनालिसिस करेंगे और आज के लिए भी इम्पोर्टेंट लेवल जानेंगे। वीकली मैं दे नहीं पाया आउट ऑफ स्टेशन होने के कारण, लेकिन आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जैसा मेरा प्रीवियस व्यू था कि बाजार 13 अक्टूबर तक अपसाइड मोमेंटम में रहेगा, तो आपने देखा इतना बड़ा भी सरप्राइज न्यूज आने के बाद भी नीचे जा करके हम ऊपर आ गए। अगर बाजार बहुत ऊपर नहीं जा रहा है और पुराने लेवल के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, वोलेटाइल है, नीचे आता है फिर ऊपर चला जाता है, तो इसका मतलब ये अप साइड के टाइम साइकिल को फॉलो कर रहा है। प्राइस वाइज हम ज़्यादा नहीं गिर रहे हैं और एक रेंज में फंसे हैं, तो यहाँ पे ये बोला जा सकता है कि अप साइड टाइम साइकिल को फॉलो करते हुए अप टॉप आउट बनाने की कोशिश कर रहा है इंडेक्स प्लस स्टॉक का, और इस टॉप आउट में कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करने का सबसे अच्छा टाइम है। जो भी रेट मिले प्रॉफिट बुक करना चाहिए आफ्टर टाइम साइकिल अप ट्रेंड का कंप्लीट होने के बाद। ट्रेंड रिवर्सल जैसे मिलेगा और एक लेवल इंपॉर्टेंट कटने के बाद एक डाउन साइड मूव देखा जा सकता है। अब 13th का मतलब आज 11th है, कल 12th है, मीन्स कि इस फ्राइडे तक और अगले सोमवार तक एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट, जिस तरीके से इंडेक्स दिखा रहा है अभी तक ब्रेकआउट इस हफ्ते का नहीं हुआ है, और नीचे जो सपोर्ट है 19,550 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 19,750 के ऊपर चलता है, तो आज अगर चलता है इंट्राडे बेसिस पे सस्टेन एंड क्लोजिंग हो जाता है तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हो जाएगा जो कि 19,880 तक लेके जा सकता है। 19,880, 19,820 इंट्राडे में जो रिवर्सल होगा 19,720 के ऊपर, और कल का जो हाई है 717 उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो 19,760, 19,780 तक जाने की कोशिश करेगा, और नीचे जो सपोर्ट है 19,620, 19,550 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। क्लोज इंट्राडे बेसिस पे 19,620, 19,600 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान करके 19,760, 19,820 तक जाने की कोशिश करेगा। पोजिशनल जो टारगेट है 19,890 और 900 तक का टारगेट है, और ये भी सस्टेन हो जाता है कल तक तो 19,990 तक आ सकता है, मतलब कि 20,000 के आसपास जाने के बाद हम कोशिश करेंगे नीचे जाने का। तो फिलहाल मोमेंटम में स्टॉक स्पेसिफिक ध्यान देना चाहिए, जैसे कि मैंने लास्ट वीक में रिलायंस पे व्यू दिया था, और ये मेरा यहाँ से अपसाइड मोमेंटम के चांसेज हैं। और स्टॉक स्पेसिफिक जो पोर्टफोलियो में लोग बाई किए हुए हैं, वोलेटिलिटी और गिरावट में नहीं बेच पाए हैं, तो इस तेज़ी में प्रॉफिट बुकिंग करने का अच्छा टाइम है। तो ये सिंपल सा व्यू है निफ्टी के लिए। 19,750 के ऊपर वीकली ब्रेकआउट क्लोजिंग आज हो जाता है तो 19,880, 19,950 तक जाने की कोशिश करेगा फ्राइडे तक। स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस आज के लिए 19,600 और क्लोजिंग बेसिस पे 19,550 के नीचे होगा। बैंक निफ्टी का हम बात करेंगे तो जैसे मैंने पहले ही बोला हुआ है कि 45,000 एक मेजर टारगेट है। 45,000 के ऊपर चलता है तो 45,500 तक आ जाए तो अच्छा खासा एक प्रॉफिट बुकिंग का और शॉर्ट साइड अपॉर्चुनिटी का मौका मिलेगा। शॉर्ट करना है तो 45,500 के ऊपर जाए तो बेचेंगे, और इसके लिए आज जैसे कि वीकली ब्रेकआउट 44,650 के ऊपर ब्रेकआउट होगा, 44,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और इसके लिए जैसे मैंने HDFC बैंक का वीडियो बनाया था पब्लिक मेंबर जोन में, तो वहाँ पे आप देख रहे हैं बार बार वहीं पे सपोर्ट ले रहा है, तो HDFC बैंक कहीं ना कहीं बॉटम आउट हो चुका है और यहाँ से 1750 के टारगेट के लिए चलने की तैयारी कर रहा है। तो अगर HDFC बैंक, रिलायंस, ये सब लार्ज कैप चलने लगे, विप्रो में मेरा व्यू था कि तेज़ी आएगी, तो ये सारे स्टॉक चलने लगे तो कहीं ना कहीं अपसाइड होगा बाजार में, और ये अपसाइड फिर से एक डाउन साइड की तैयारी करेगा। एक अप मोमेंटम आ जाने दीजिए नेक्स्ट वीक तक, उसके बाद नेक्स्ट वीक में ट्रेंड रिवर्सल होगा तो ही बेचेंगे। तो सिंपल सा स्टडी है, कोई फंसा है उनको निकलने का ये मौका है ऊपरी लेवल पे,
और रिवर्सल होता है तो ही शॉर्ट साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। शॉर्ट साइड के स्टॉक नेक्स्ट वीक से मैं भेज दूंगा, लेकिन अभी अप साइड के स्टॉक रिलायंस, HDFC बैंक और विप्रो, ये तीन स्टॉक मेरे को सेफ साइड दिखते हैं। स्टॉक तो बहुत चल सकते हैं, बहुत अप मोमेंटम में भी हैं, ऊपर के साइड में भी हैं, लेकिन ये जो तीन स्टॉक हैं मेरे, VPCL, ये सब स्टॉक जो हैं यहाँ से डाउन साइड कम है, अप साइड ज़्यादा होने के चांसेज है। तो अप साइड को खेलना है तो इन सारे स्टॉकों को देख सकते हैं। ये छोटा सा वीडियो है, संडे को वीडियो नहीं बना पाया हूँ, लेकिन आज वेडनेसडे 11 अक्टूबर 2023 को ये वीडियो डेवलप कर रहा हूँ, और जो मेरा व्यू था प्रीवियस वीक में उसी डायरेक्शन में। बार बार निचले लेवल आने के बाद जिसने भी बाई किया है डरा नहीं है, वो पैसा बना रहा है। और स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा ध्यान दीजिए, और जो भी मेरा व्यू है, एजुकेशनल लर्निंग व्यू है, प्रॉफिट लॉस का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।